कृपया वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। वह जिंदगी की टीम पहुंच गई है भारत के खूबसूरत प्रदेशों में से एक प्रदेश राजस्थान में। राजस्थान जितना खूबसूरत है कला की दृष्टि से, राजस्थान उतना समृद्ध भी है। राजस्थान में एक से एक कलाकार आज अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से अपनी जिंदगी को बना चुके हैं। वह जिंदगी, और आज आपका परिचय मैं जयपुर की एक ऐसी ही प्रतिभा से कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने चावल के दानों पर सूक्ष्म तरीके से भक्तामर्जी स्त्रोत के श्लोक, नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, न जाने क्या क्या लिखकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और उनका नाम है नीरू छाबड़ा। नीरू जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कब से इस काम को कर रही हैं? मैंने स्कूल ऑफ आर्ट से ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा किया था 79 में, और फिर कुछ अलग हटके करने के हिसाब से मैंने ये सोचा कि मैं चावल पे लिख के देखती हूँ। मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, और 2 जुलाई 1984 का वो दिन था जब मैंने इस काम को शुरू किया। और मुझे इस काम को करने में काफ़ी परेशानियाँ हुई शुरू शुरू में, कि कभी चावल फिसल जाता था, कभी एक ब्रश मुड़ जाता था, कभी कलर पूरे कलर में चावल हो जाता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं लगातार प्रयास करती रही, और मैंने अपनी इस यात्रा को जारी रखा, और आज मुझे 36 हो गए इस काम को करते हुए। इन 36 में आपने न जाने चावल के कितने दानों पर आपने लिखा है, आपके अनुसार आपका सर्वश्रेष्ठ काम क्या है? जो बहुत सूक्ष्म और बहुत मेहनत का जो काम है, जिसको बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा समय लगा, वो है भक्तामर स्त्रोत्र, और इसी पे मुझे राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड भी मिला। इस भक्तामर स्त्रोत्र में एक लाइन एक चावल पे लिखी हुई है, ऐसे 4 पे एक काव्य, ऐसे 16 के कवन में 48 आए हैं। और जो दूसरी कृति है वो है मेरी पहली कृति है, वो है अनेकता में एकता, मेरा भारत महान। उसके अंदर भारत की सारी लिपियाँ हैं, सारी भाषाएँ हैं, और सारे धर्मों के बारे में है। इस तरह से उसमें पूरा गायत्री मंत्र, नमोकार मंत्र उर्दू में, गुरुमुखी में, अंग्रेजी में। नमोकार मंत्र एक चावल के दाने पे आपको लिखना, तो कितना वक्त लगेगा? देखिए, चावल के दाने पे कोई भी चीज़ मैं लिखती हूँ एक ही सिटिंग में लिखती हूँ। ऐसा नहीं होता कि 4 आज लिख लिए फिर उसको छोड़ दिया फिर कल चावल, एक सिटिंग में पूरा होता है वो। लेकिन जैसे मान लीजिए नमोकार मंत्र लिखना है, अब पूरा नमोकार मंत्र लिखना है, नमो हृंताणम से नमो उवझणम नमो लोए सब तक आ गया, लेकिन साहुणम नहीं आया, तो वो चावल वेस्ट हो गया, फिर मुझे दूसरे चावल पे लिखना होता है। इस तरह से कई चावलों पे जब मैं लिखती हूँ तब मुझे एक चावल प्रॉपर मिलता है। तो आप ये अपने शौक के लिए कर रही हैं या इससे आपने अपना व्यवसाय भी बना रखा है? व्यवसाय तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि से थोड़ा बहुत मुझे इसका रिस्पांस मिलता है, क्योंकि मैं ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भी बनाती हूँ, तो जैसे हैप्पी बर्थडे मैरिज वगैरह के कार्ड्स हैं और हैं, तो ये इस तरह से सेल होते हैं। बाकी जो कलाकृतियाँ मैंने बनाई है वो सब मैंने अपनी खुशी के लिए बनाई है। कोई भी कलाकार जब कोई भी कलाकृति बनाता है तो वो अपने आनंद के लिए रहता है, उसको खुद को उसमें आनंद की अनुभूति होती है। भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या आप करना चाहती हैं चावल के दानों पर? जैसे आजकल जो बुक्स पढ़ना जो सबका बंद हो गया है, तो एक वो विषय मेरे दिमाग में है कि उस विषय को लेकर के मैं कुछ कवियों की उनकी कृतियाँ अपने चावलों पर लिख करके वो प्रेजेंट करूँ, जिससे कि मतलब लगे कि हाँ बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है उस हिसाब से। और बाकी मेरा यह है कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन जो है विदेश में करना चाहती हूँ। देश में तो मैंने बहुत जगह अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको अनेक पुरस्कार मिले होंगे, कोई महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में बताएं? सबसे अधिक जो है एक तो स्टेट अवार्ड मिला मुझे 94-95 में, और 2004-2005 में राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड मिला, और जो सामाजिक स्तर पे तो कई सारे पुरस्कार मिले। बहुत सारी प्रतिभाएं आज आपको देख रही है, सुन रही है, उनको आप क्या प्रेरणा के लिए बोलेंगे? जो ट्रैक हम पकड़ लेते हैं, जो भी हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसको पाने के लिए हम निरंतर अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। उसके लिए एकाग्रता, निरंतरता, सतत प्रयत्न, सतत अभ्यास, ये सब जरूरी हैं। नीरू जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जैन रत्न में आपने मुझे शामिल किया, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं उसके अंदर हैं, उसमें मेरा भी एक नाम जुड़ गया है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा नाम चुना। कृपया वाह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सकें।